तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था दैट वाज द टॉपिक ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है? किसी को पता है आइसोमॉर्फिज्म क्या था? सर, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, गुड, आइसोमॉर्फिज्म लीनियर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। द फर्स्ट कंडीशन इज, वन वन ओके गुड, फर्स्ट कंडीशन इज वन वन, सेकेंड कंडीशन इज ऑन ऑन टू टू ऑन टू, एंड थर्ड कंडीशन इज आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म। ये तीन कंडीशन हमको लेनी चलनी है। तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? अगर आप आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हो तो ये तीन कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी। वन वन बताना पड़ेगा, ऑन टू बताना पड़ेगा, और होमोमॉर्फिज्म बताना पड़ेगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय होमोमॉर्फिज्म? होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? लीनियर यस गुड, लीनियर। तो अगर लीनियर होगा, कोई भी फंक्शन लीनियर होगा, तो हम लोग उसको क्या प्रूव कर देंगे? दैट इज होमोमॉर्फिक। अब लीनियर प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बी एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ अल्फा अल्फा प्लस प्लस बी एफ ऑफ बीटा। और ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली हुई है, ठीक है? ये आपको आइसोमॉर्फिज्म पूछेगे 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 ही, अगर आपको डेफिनेशन आती होगी ना, तो आप कुछ अटेम्प्ट करके आ पाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज क्लियर रख लेना। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, कुछ आपको पता होगा, तो वहां पे कुछ अगर आप भूल गए होगे तो आप कुछ भी लिख के आ पाओगे। तो इसके लिए मेरे को ये जस्ट रिवाइज करवाना था, और आज का लेक्चर थोड़ा बहुत वो ये डाइवर्जन में जाएगा, तो हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे। और जितना जल्दी हो सके उतना हम लोग, क्योंकि अभी मुझे मैसेज एक ऐसा मिला है कि कल शायद आपका लेक्चर फिजिकल नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बोल दिया कि हम लोग ऑनलाइन वापस से कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारा जो लेक्चर है वो वापस से एज अ रेगुलर बेसिस चालू कर देते हैं। कल का लेक्चर शायद पोस्टपोन्ड है, ट्यूजडे से रेगुलर होने वाला है, ऐसा कुछ है। जैन सर थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म शायद कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज मिला इसलिए मैंने तुरंत ही बोला कि आप लोगों का कोर्स बिगड़ना नहीं चाहिए। हम लोग फटाफट ऑनलाइन में आके लेक्चर हमारे जो है बाकी के कंप्लीट करने लगते हैं, और हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सॉरी एडवांस कैलकुलस भी है, वो एडवांस कैलकुलस के लिए भी अब हम लोग ऑनलाइन लेक्चर जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस बताने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आप लोग यही मान के चलोगे तो बाय द टाइम ऑफ 8th आप लोग एग्जाम देने के लिए बैठोगे, वो हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन लगा के बैठ रहे हैं। तो आज का स्टूडेंट टॉपिक लिख लीजिए। आज हम लोग जो देखने वाले हैं बेसिकली वो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल फंडामेंटल थियरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थियरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म। तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, फंडामेंटल थियरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म। ये इतना ज्यादा कह सकते हैं कि थियरम शायद नहीं पूछते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे वाला जो थियरम है ना वो ज्यादातर ज्यादा पूछते हैं, लेकिन अगर ये वाला थियरम हमको समझ में नहीं आएगा तो इसके आगे जितने भी थियरम चलेगे वो हमको समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए फ्रॉम द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा यहाँ पे आपका, इसके लिए हम लोग ये थियरम करेंगे। अब लेकिन ये थियरम करने से पहले भी थोड़ा में हम लोग आगे एक थियरम की डिस्कस कर लेते हैं, तो अभी हम लोग ये थियरम नहीं कर रहे हैं। आपने टॉपिक दे दिया, टॉपिक उसके रिलेटेड ही है, लेकिन पहले हम लोग दूसरा थियरम देख लेते हैं जो हमारे लिए आ सकता है। थियरम का स्टेटमेंट लिखिए, इफ इफ हैंडराइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इफ वी ऑफ एफ इज अ वेक्टर स्पेस, इफ वी ऑफ एफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज अ सबस्पेस। W हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एक सबस्पेस लेके चल रहे हैं, देन देन क्वोशेंट स्पेस क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वोशेंट स्पेस V अपॉन W, ये क्वोशेंट स्पेस होता है V अपॉन W। ये इसका डेफिनेशन मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, लेकिन अभी ये थ्योरम आप पहले लिख लो। V अपॉन W इज
वी अपॉन डब्ल्यू इज होमोमॉर्फिक, इज होमोमॉर्फिक इमेज So, ये आपका स्टेटमेंट है। यहां पे क्या दिया हुआ है कि वी ऑफ एफ आपका वेक्टर स्पेस है, ओके? आपके पास एक वेक्टर स्पेस है वी ऑफ एफ, डब्ल्यू जो है वो उसका सबस्पेस है, ओके? डब्ल्यू हम लोग एक सबस्पेस सिलेक्ट कर रहे हैं और हम लोग क्या बना रहे हैं, एक क्वेश्चनड, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन स्पेस बना रहे हैं। क्वेश्चन स्पेस को हम लोग एक, ये एक तरह का वेक्टर स्पेस ही होता है। क्वेश्चन स्पेस जो है वी अपॉन डब्ल्यू, ओके, वो किससे होमोमॉर्फिक होगा? वो v ऑफ f से होमोमॉर्फिक होगा। जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है उससे वो होमोमॉर्फिक होगा। आपको पता है होमोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, ओके? लीनियर होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएगा। यानी हम लोग एक ऐसा क्या कह सकते हैं कि एक फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, ओके, एक ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे जो ये दोनों इसका डोमेन कोडोमेन बनता हो, ये दो इसमें डोमेन कोडोमेन हो, और वो क्या होगा, होमोमॉर्फिक होगा। वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको जो मिलेगा वो लीनियर होगा, फंक्शन जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो लीनियर होगा, ओके? जिसका कर्नल क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ओके? अगेन समझने की कोशिश करो, हम लोग क्या ले रहे हैं, एक वेक्टर स्पेस वी ले रहे हैं, ओके? वी आर टेकिंग अ वेक्टर स्पेस वी, हम लोगों के पास एक वेक्टर स्पेस वी है, डब्ल्यू उसका सबस्पेस है, डब्ल्यू क्या हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, उसका सबस्पेस डिफाइन कर दिया। एक हम लोग क्वेश्चनड सबस्पेस ले रहे हैं, दैट इज क्यू अपॉन डब्ल्यू, ओके, सॉरी v अपॉन डब्ल्यू हम लोग क्वेश्चन सबस्पेस ले रहे हैं, क्वेश्चन स्पेस ले रहे हैं, और ये वी डब्ल्यू जो है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये वी डब्ल्यू जो है वो एक्चुअली में होमोमॉर्फिक इमेज होगी हमारे वेक्टर स्पेस v ऑफ f की। खाली हमको ये प्रूफ करना है, ओके? सो इसके लिए लिख लीजिए सॉल्यूशन या प्रूफ, जो भी आपको लिखना है। प्रूफ किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले विल डिफाइन मैपिंग, तो लेट द मैपिंग या फिर फंक्शन, लेट द मैपिंग, मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन, हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट द मैपिंग, हम लोग फंक्शन क्या सिलेक्ट करेंगे, एफ वी टू वी अपॉन डब्ल्यू। क्यों वी टू वी अपॉन डब्ल्यू लिया है, क्योंकि हमको ये दोनों के बीच में ही बात करनी है। देखो यहां पे वी है और ये क्या है, वी डब्ल्यू है, ओके? एक V है, एक VW है, हमको ये दोनों में ही बात करनी है। हमको इसको क्या बताना है, होमोमॉर्फिक बताना है, मतलब के लीनियर बताना है, ओके? लीनियर की प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने लेक्चर चालू करने से पहले देखी कि किस तरह से लीनियर बताते हैं। तो हम लोग एक V और VW का एक फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, वो इस तरह से कि F हम लोगों ने क्या लिया, वी टू वी ऑफ W, ओके, वी अपॉन W, ओके? और इसका फंक्शन क्या है, इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, बाय बाय f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू w प्लस अल्फा, ओके? यहां पे लिख दो पहले। तो हम लोगों ने ये फंक्शन देखा, हम लोगों ने f लिया, ये फंक्शन क्या है, v टू v अपॉन w है, ओके? v टू v अपॉन w, और इसको डिफाइन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू w प्लस अल्फा, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। हमको ये बताना है कि ये फंक्शन क्या होगा, होमोमॉर्फिक होगा, और होमोमॉर्फिक बताने से पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, ओके? अब जब मैं बोलता हूं वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या हो गया, आप कभी भी बोलोगे कि फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, उसका मतलब आप शायद 11th 12th में सीखे होंगे। हम लोगों ने फंक्शन में ये सीखा हुआ है कि कोई भी एक एलिमेंट होता है ना, तो उसकी एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, ओके? यानी उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए जो सामने वाले कोडोमेन पे हमको मिलती है। ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं होगा कि एक एलिमेंट की दो इमेज मिले। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज मिलेगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ओके? तो हम लोगों ने मन से एक फंक्शन तो बना लिया है, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन को पहले वेल डिफाइंड बताना पड़ेगा। वेल डिफाइंड से मतलब क्या है मेरा, कि इसकी एक ही इमेज मिल रही है, ओके? इसकी दो इमेज मिलेगी तो वो फंक्शन कहलाएगा नहीं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसकी एक ही इमेज मिलनी चाहिए, वो पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा, दैट नीड्स टू बी प्रूव, ओके? आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है। देखिए वापस से एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या लेके चले हैं, इफ v ऑफ f इज अ वेक्टर स्पेस, हम लोगों ने v ऑफ f जो लिया हुआ है वो वेक्टर स्पेस लिया हुआ है,
W जो है, पहले हम लोग W को डिफाइन कर लेते हैं, तो W जो है वो उसके अंदर का सबस्पेस है। तो हम लोग एक क्वेश्चन स्पेस बना रहे हैं, क्वेश्चन मतलब डिवीजन वाला, ओके, डिवीजन वाला एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं जिसको हम लोग V अपॉन W लिख रहे हैं। वो किसी का इमेज है, किसी का इमेज है मतलब के यहां पे देखिए आप, किसी का इमेज है मतलब वो कहां पे आएगा, इमेज वाला पार्ट कोडोमेन में आएगा, ओके। तो V अपॉन W है, हम लोगों ने क्या बोला कि इट इज अ होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज किसका है, V का है। तो अब आप फंक्शन को देखिए, V हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया, डोमेन में हम लोगों ने V लिया, कोडोमेन में हमने V अपॉन W लिया। तो ये जो फंक्शन बनेगा उसको जस्ट हम लोग होमोमॉर्फिक प्रूफ कर देंगे, यानी हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ओके। ये चीज है। अब इसमें क्यों, ये एक तो इजी वाला है, ये इजीली आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है पता है, ये W को समझने के लिए प्रॉब्लम लगेगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन स्पेस नहीं करवाया हुआ, इसके लिए शायद आपको W समझने में देर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको खाली एक बाइफिकेशन दे देता हूं। ये W जो है ना वो एक आइडेंटिटी के तौर पे वर्क करेगा, इट इज जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पता है ना, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, कौन बताएगा, नंबर्स में, वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर्स में एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, एनीबडी? यस, जीरो, ओके, जीरो। जीरो जो है वो एडिशन की आइडेंटिटी है, मतलब अगर आप जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, जैसे कि अल्फा इंटू जीरो करे तो बट ऑब्वियस हमको पता है कि उसका आंसर जीरो हो जाएगा। अल्फा कोई नंबर हो और जीरो भी कोई नंबर हो तो अल्फा इंटू जीरो आप मल्टीप्लाई करोगे तो बट ऑब्वियस उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं जीरो प्लस जीरो करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ओके। तो ये W भी समवॉट वैसा ही है, वैसा ही आप पकड़ के चलोगे, ये जो वर्क करेगा ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो भी हम लोग W लिख रहे हैं, क्वेश्चन स्पेस आपको चला नहीं है, हम लोग एक टॉपिक आगे बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ जाओगे, खाली ये W की प्रॉपर्टी को समझ लो। W की पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि विवेक स्क्रीन स्क्रिबल ना करो, स्क्रीन ने स्क्रिबल ना करो। तो ये जो हमारा W जो है वो अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा इंटू W, तो हमको आंसर W ही मिलेगा, पहली चीज, ओके। W को जब भी मैं कोई अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये आइडेंटिटी के तौर पे ही वर्क करेगा, मतलब W ही मिलेगा, ओके। W प्लस W, जीरो प्लस जीरो जैसे जीरो ही होता है, तो वैसे ही W प्लस W यहाँ पे W ही आपको लिखना है, ओके। आगे हम लोग लिखेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लिख दिया, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, अल्फा बिलोंग्स टू वी, ओके। नाउ सबसे पहले हम लोग ये पहले बात करेंगे कि हम लोगों ने जो ये फंक्शन लिया हुआ है दैट इज वेल डिफाइंड, ओके। वेल डिफाइंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिक इमेज बतानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं, लेट अल्फा और बीटा, हम लोग दो एलिमेंट ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, वी में से, मतलब के हमारे डोमेन में से सिलेक्ट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा हम लोग डोमेन में से सिलेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग बोल देते हैं कि अल्फा और बीटा कोई भी नहीं है, अल्फा और बीटा सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फा और बीटा सेम है, ये मैं बोल के चल रहा हूं, ओके। अब मैं अगर दोनों बाजू W को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, W प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, W प्लस बीटा मिल जाएगा, ओके। क्यों मैं ऐसा करना चाहता हूं, देखो ये मैंने जो डिफाइन किया हुआ है ना उसमें W प्लस अल्फा आ रहा है, तो खाली अल्फा से तो काम नहीं चलेगा, दोनों बाजू मुझे W मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों बाजू W मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये W प्लस अल्फा क्या हो गया, W प्लस अल्फा मतलब वो तो क्या हो गया, F अल्फा हो गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगा, F अल्फा लिख पाऊंगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, F बीटा आ जाएगा। Hence, अगर सेम एलिमेंट है तो उसकी इमेज भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इज वेल डिफाइंड, F को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग जो हमारे मन से फंक्शन बना रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ओके। यानी वो फंक्शन के लायक है, तभी हम लोग आगे बात कर पाएंगे। तो हम लोगों ने सेम एलिमेंट लिए तो उसकी इमेज भी सेम आएगी, यहाँ पे वो कंफर्म हो गया, ओके। एलिमेंट कहां से लिए थे, वेक्टर स्पेस V में से, और हमको जो F अल्फा और F बीटा मिला वो कहां पे मिला, V अपॉन W में से मिला। तो यहां तक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। लिख लो पहले और डन बोलो तो हम लोग आगे बात करें। डन सर, ओके। Done, sir. Okay.
डन सर। ओके डन सर। ओके तो आगे बढ़ते हम लोग, सबका हो गया है आई थिंक। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हियर अब हमको क्या बताना बाकी है, वी विल शो, जो मेन पार्ट है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो वी विल शो दैट, हम लोग यहां पे ये बताएंगे, वी विल शो दैट एफ इज होमोमॉर्फिक, हमको यही बताना है। ओके एफ क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिक होना चाहिए, वो हमको बताना है। ओके सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, लेट अल्फा कॉमा बीटा, वो मैं ले लेता हूं वेक्टर स्पेस वी में से। ओके तो मैंने अल्फा कॉमा बीटा कहां से ले लिया, वेक्टर स्पेस वी में से ले लिया, और ए कॉमा बी ये मैं ले लेता हूं फील्ड के मेंबर्स, फील्ड मतलब के एफ में से। अल्फा कॉमा बीटा मैंने ले लिया वेक्टर स्पेस वी में से, ए कॉमा बी ले लेता हूं मैं फील्ड के मेंबर्स में से। ओके तो अब मुझे होमोमॉर्फिक बताना है। आपको पता है होमोमॉर्फिक किस तरह से बताएंगे हम लोग, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा से हम लोग चालू करेंगे, और ले कहां पे जाएंगे होमोमॉर्फिक के लिए बताओ, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा से चालू करेंगे और होमोमॉर्फिक के लिए क्या बता देंगे हम लोग, ये बताना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा है, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डिफाइंड उसके हिसाब से तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। अल्फा अगर यहाँ पे आता है तो डब्ल्यू प्लस अल्फा हम लोग लिखते हैं, यानी एफ के अंदर जो भी है उसको डब्ल्यू के साथ लिखना है। तो उसी तरह से जो हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, W प्लस ये अखा पार्ट लिख दूंगा मैं, A अल्फा प्लस B बीटा। यहां तक सबको समझ में आया, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन व्हाट वी हैव डिफाइंड हम लोग ये लिख पाएंगे, यस और नो? यस। ओके यस गुड। ओके ठीक है, अब यहां पे देखो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था जीरो को आप कैसे लिख सकते हो, जीरो प्लस जीरो लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक W को है उसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूं, पहले W का मैं ग्रुप बना देता हूं A अल्फा के साथ, और जो दूसरा W है उसका मैं ग्रुप बना देता हूं B बीटा के पास। ओके तो ये क्या हो जाएगा, मैंने दो W लिख लिए हुए हैं, लेकिन आपको यही समझना है कि W प्लस W उसका आंसर क्या होता है, W होता है, इसके लिए मैंने दो W में इसको डिवाइड किया हुआ है। ओके अब यहां पे W जो है, ओके मैंने आपको ये अभी प्रॉपर्टी में बताया था कि A इंटू W होगा तो उसका आंसर भी क्या होगा, W ही होगा। ओके तो कहने का मतलब ये है कि W को हम लोग ए डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। अगर ये वाले W को मैं ए डब्ल्यू लिखूं तो दोनों में से A कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, W प्लस अल्फा बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे ये वाले W को मैं बी डब्ल्यू लिखूं, क्योंकि अगर मैं ए डब्ल्यू लिख सकता हूं तो मैं बी डब्ल्यू भी लिख सकता हूं, अंडरस्टूड और नॉट? तो बी डब्ल्यू लिखूंगा मतलब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो होना तो जीरो ही है, तो यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, बी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मुझे अंदर क्या मिल जाएगा, W प्लस बीटा मिल जाएगा। अब देखो A एज इट इज रखो, W प्लस अल्फा उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डिफाइंड F ऑफ अल्फा हो गया, B एज इट इज रखो W प्लस बीटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F ऑफ बीटा हो जाएगा। चालू कहां से किया था आपने, F ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा से, आप पहुंच कहां पे गए, A F ऑफ अल्फा प्लस B ऑफ B ऑफ B F ऑफ बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, द F इज व्हाट, F is homomorphic. ओके इजी समझ में आ गया इतना, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोलता था, मेन स्टेटमेंट, एक मिनट हो आप लोग लिख रहे होगे लेकिन मैं दो मिनट पे आ जाता हूं, VW is the homomorphic image of V of F, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो हम लोग यहां पे क्या बता देंगे, hence what we can say is V upon W is, आप लोग लिख लेना, हैंडराइटिंग मेरे थोड़े खराब निकलेगी इसलिए, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी ऑफ एफ। ओके सो यहां पे आप ये लिख के अपना कंक्लूजन लिख दोगे, हेंस ये आता है थियरम, तो इसको इग्नोर मत करना, ये थियरम आता है, लिख लो इतना और डन बोलो तो आगे बढ़े। Done, sir. Okay. Done, sir. Okay, good.
सबका हो जाए तो बोलिए। सर ट्यूसडे से जो लेक्चर चला है वो ऑनलाइन चला है कि ऑफलाइन चलेगा? जैन सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में, प्रिंसिपल सर ग्रुप में है वो प्रिंसिपल सर इन्फॉर्म कर देंगे। ओके मेरे को अगर कोई भी मैसेज उससे पहले मिल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर ट्रस्टी जो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे वो हिसाब से होगा, तो ट्रस्टी के डिसीजन के बाद प्रिंसिपल को पता चल जाएगा, वो हिसाब से आपका डिसीजन लिया जाएगा। सब लोग लिख लीजिए फटाफट, और कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। कंप्लीटेड? किसी का बाकी है? नो सर। नो सर। ओके अब यहाँ पे एक और चीज, अगर आपने थ्योरम में गौर की हो तो एक और चीज दी हुई थी, यहां तक तो वी ऑफ एफ तक तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन एक और चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है? विद कर्नल डब्ल्यू। ओके तो कर्नल ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो पहले भी आ चुका है, ये वाला जो टर्म है वो पहले भी आ चुका है। किसी को याद है कर्नल किसको बोलते हैं हम लोग? Anybody knows what do you mean by kernel? Okay, मैं आपको बता देता हूं कर्नल की क्या होता है। नल स्पेस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके बट एक्चुअली इट इज नॉट अ नल स्पेस। नल स्पेस नहीं है। देखिए कर्नल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, समवॉट नल स्पेस से ही रिलेटेड है। देखिए कर्नल मान लीजिए कि दो फंक्शन है। ओके मान लीजिए हम लोग यहाँ पे v ले रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, v अपॉन w आ रहा है। ठीक है तो हम लोग ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसकी इमेज सामने वाले सेट में नल हो, यानी नल स्पेस नहीं बोलेंगे हम लोग उसको। उसको क्या बोलेंगे कि सामने उसकी इमेज क्या हो हमारे पास, जीरो डैश। जीरो डैश मतलब नल आंसर आए। ओके जीरो आंसर आए तो वैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। ओके तो कर्नल क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हुज इमेज इज जीरो। जिसकी इमेज क्या होती है, जीरो होती है या नल होती है, जो भी आप बोलो। ओके या दूसरी भाषा में बोले तो आइडेंटिटी होती है, जिसकी सामने इमेज हमको क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। तो वो खाली छोटा सा पार्ट बताना रह गया है वो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर्नल को डिफाइन करने जा रहे हैं, हमको क्या बताना है, कर्नल हैविंग डब्ल्यू। ओके तो कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ किस तरह से डिफाइन करेंगे कर्नल ऑफ एफ को, ये पहले भी आ चुका है, जिसको हम लोग क्या लिखते थे, के ऑफ एफ। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज नोट्स जाके रिफर कीजिए। के ऑफ एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज अल्फा बिलोंग्स टू वी। हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, ऐसे सारे अल्फा का कलेक्शन, ओके वी में से, वी वेक्टर स्पेस है उसमें से सारे अल्फा का कलेक्शन जिसका एफ ऑफ अल्फा अगर हम लोग करें तो हमको क्या मिलता होगा, इट इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ वी अपॉन डब्ल्यू। ओके यानी ऐसे सारे एफ ऑफ अल्फा जिसका आंसर हमको, ऐसे सारे अल्फा जिसका एफ ऑफ अल्फा हमको क्या मिले, आइडेंटिटी इमेज मिले। ओके तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि एफ ऑफ अल्फा, ओके आइडेंटिटी सामने क्या है वो आपको पता है, वी अपॉन डब्ल्यू की आइडेंटिटी क्या है हम लोग लेके चल ही रहे हैं, हम लोगों ने वो बात कर दी हुई है। आइडेंटिटी क्या है, डब्ल्यू है, हम लोग वही बात कर रहे हैं ना कब के। ओके तो यहां पे एफ ऑफ अल्फा में क्या लिख दूंगा, डब्ल्यू लिख दूंगा, यस और नो, सामने आइडेंटिटी क्या है, डब्ल्यू है कि नहीं, वही हम लोगों ने बात किया। तो एफ ऑफ अल्फा हम लोग क्या लिख देंगे, दैट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा की जगह पे मैं क्या लिखूं, डब्ल्यू प्लस अल्फा लिख सकते हैं हम लोग। सो एफ ऑफ अल्फा की जगह पे डब्ल्यू प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और जब मैं ये लिख रहा हूं कि W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W मिल रहा है, समझो ये चीज को, W प्लस अल्फा मुझे W मिल रहा है, यानी एक W है मेरे पास, उसमें मैं अल्फा कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो वो मुझे क्या मिल रहा है, W मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फा जो है
वो कहां पे बिलोंग करेगा, वो भी कहीं ना कहीं W से ही बिलोंग करता है, ओके W मतलब कि अगर W प्लस अल्फा इक्वल टू W है, मतलब ये जो अल्फा है वो भी कहीं ना कहीं जीरो ही है, जीरो प्लस जीरो तभी जाके जीरो मिलता है ना, समझो वो चीज को, ओके जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये अल्फा जो है वो कहीं ना कहीं W से रिलेटेड है, वो मैंने लिख दिया अल्फा बिलोंग्स टू W, ओके मतलब ये जो कर्नल है K ऑफ F उसका आंसर भी क्या होगा, उसका आंसर भी W होगा, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ओके क्योंकि ये अल्फा मिलेगा वो कहीं ना कहीं W से ही रिलेट करेगा, W से रिलेट करेगा मतलब हमारा जो कर्नल है वो W ही बन के रह जाएगा, ये यानी यहाँ पे जितने भी अल्फा क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, देखिए अल्फा एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, अल्फा इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ओके तो ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट को जब मैं W से ऐड करता हूं तो मुझे W मिल रहा है, मतलब ये जितना भी कलेक्शन है वो हमारे W में जा रहा है, ओके वो कहां पे जा रहा है, W में जा रहा है, और ये W ही हमारा क्या बन जाएगा, कर्नल बन जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज जल्दी। બીજા કોઈને નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે વિવેક સિવાય? ડન સર. ઓકે બાકી કિસી કો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હે? નો સર. નો સર. નો સર. નો સર. ઓકે લેક્ચર લગભગ ખતમ થવા આવ્યો છે, એક મિનિટ જેટલું સમય આપણી જોડે બાકી છે, આપણે 310 ના પાછું જોડાઈએ છે, ઓકે એક વાર થિયરમ મુજે કરના હે, હમ લોગ 310 કો વાપસ સે જોઈન કરેંગે મીટિંગ કો, ઠીક હે, યે લેક્ચર ખતમ હો જાને તો 310 કો અગેન હમ લોગ વિલ જોઈન, ઓકે એક વાર થિયરમ કમ્પલીટ કરના હે, ક્યુંકી દેખો અભી ટાઈમ કમ હે આપ લોગો કે લિયે રિવિઝન કે લિયે ભી અગર અભી હમ લોગ જલ્દી જલ્દી કરેંગે તો મેરે પાસ રિવિઝન કે લિયે થોડા ટાઈમ બચ પાયેગા, તો જો જો ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હે ઉસકો મેં વાપસ સે રિવાઇઝ કરા પાઉંગા, તો આપ લોગો કે લિયે બેનિફિટ હો પાયેગા, ઠીક હે हो गया है तो आप लोग लीव कर सकते हो, 310 को मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा वैसे ही ज्वाइन हो जाना, ठीक है आप लोगों ने लिख लिया है तो यू कैन लीव, मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में।